लड़की। तो मुझे का लड़का दिखाई दे रहा, लड़की तो है। बस काट दी। अरे भाई इसमें काटने वाली क्या बात है, लड़की है ना। हाँ हाँ लड़की है, पर थोड़ी ये ना जहर है। हाँ जहर तो है। देख तेरा भाई इस लड़की को कैसे पटाता है। तू पटाएगा इसे? देख भाई ये लड़की ना ऐसे किसी को भाव नहीं देती है। तू तो बहुत काला है, फिर तुझे भाव कैसे देगी। बात करता है इसको पटाने की। उड़ा ले बेटा जितनी मजाक उड़ानी है। ऐसी लड़की तेरे भाई ने कितनी पटाई है, और ये क्या चीज़ है। और देख तेरा भाई अभी इसे पटा के दिखाता है। तू यहीं बैठ, मैं एक मिनट में अभी आता हूँ। जाओ भाई, जब नहीं मानता तो मेरे को क्या। हाय। हाय, कौन हो तुम? आपकी तारीफ। मैं सूरज, और मैं बहुत अमीर आदमी। मेरे पास 4 गाड़ी और 3 बंगले हैं। ओ, वैसे सफर से तो तुम भिखारी लगते हो। और कई लाख रुपए मेरे अकाउंट में भी है। तो मैं क्या करूँ? आप कितनी झेल लगती हो, आपके बाल जैसे सावन की काली घटा, और आपके होठ जैसे टमाटर के कसीले। बंद करो अपनी बकवास, और तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ज्यादा नहीं, बस आपसे प्यार करना चाहता हूँ। शकल देखी अपनी? जहर से लड़की देखी नहीं, प्रपोज मारने चले आते हैं। और आज के बाद मेरी तरफ नजर मत कर देना। अब निकलो यहाँ से। क्यों, करा ली बेइज्जती? मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि ये लड़की किसी को भाव नहीं देती है, पर तूने मेरी बात कहाँ मानी। जब तुझ पे थप्पड़ पड़ा तो मुंह लटका के आ गया। तुझे बहुत हंसी आ रही है ना। ओह सॉरी भाई। प्रेम, इस लड़की को तो मैं जरूर देखूंगा। हाँ हाँ देख लेना, चल घर चलते हैं। कार्य भाई, आज मेरी सेटिंग का फोन आया था, मिलने को बोल रही थी। क्या कहा, दोबारा बोल। भाई मेरी सेटिंग का फोन आया था, मिलने को बोल रही थी। क्या कहा, सेटिंग? नहीं, कोई अपनी सेटिंग से मिलने नहीं जाएगा। अबे मूर्ख, तुझे पता है जब से मैंने अपनी सेटिंग से झगड़ा किया ना, उसका फोन मुझ पर नहीं आया, क्योंकि मैंने उसका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है। कालिया भाई, जो नंबर ब्लॉक कर रखा है तो फोन कैसे आएगा? हाँ कालिया भाई, नंबर निकालो तभी तो फोन आएगा। अरे मुझे नहीं निकालना, देखो कुछ नहीं रखा इन सेटिंगों में। जो लड़की हमें पसंद है वो हमको देखती भी नहीं है, और जो लड़की हमें पसंद नहीं है वो हमारे पीछे घूमती है। तो भाइयों, मैं तो इसलिए लड़कियों से नफरत करता हूँ। ओ हम करें तो गुंडागर्दी, तुम करो तो रासलीला। वाह, अरे साले रासलीला बता रहा है, तुझे मेरे साथ रहकर डॉन बनना है कि नहीं बनना? अगर तुझे डॉन बनना है तो लड़कियों को भूलना होगा। बोल, भूल सकता है? जी कालिया भाई। और बेटे तेरा तो फोन नहीं आता सेटिंग का? कालिया भाई मेरी तो कोई सेटिंग नहीं है, एक है भी, उसकी तरफ को मैं देखता नहीं हूँ। और बेटे देखना ही मत, अगर लड़की की तरफ को देखोगे तो कभी भी डॉन नहीं बन पाओगे। कालिया भाई अब उनको कोई टेंशन नहीं है, जब डॉन बनने के लिए अपने माँ बाप को छोड़ सकता हूँ तो ये सेटिंग क्या चीज़ है। छोड़ दिया, अब उनको कोई टेंशन नहीं है। मुझे तेरे मुँह से यही सुनना था। और लावे रिंकू, अपना फोन दे। कालिया भाई फोन का क्या करोगे? वो साले तेरी सेटिंग का नंबर ब्लॉक करना है। नहीं 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 कालिया भाई, मेरी एक तो सेटिंग है, उसका भी नंबर तुम ब्लॉक करना चाहते हो? नहीं नहीं, तुझे डॉन बनना है कि नहीं? कालिया भाई मुझे डॉन ही बनना है, सेटिंग भी चलानी है। ना बेटे, ऐसे डॉन नहीं बना जाएगा। इस हिसाब से तो तू अपनी सेटिंग को भी गवा देगा, और डॉन बनने का सपना भी अधूरा रह जाएगा, समझा तू? ठीक है कालिया भाई, छोड़ने की कोशिश करूंगा। साले रो रहा है, चल चलते हैं। क्या बात है? आप तो प्रेम सिंह हो ना? हाँ, लेकिन क्यों? आप तो यूट्यूब पर वीडियो बनाते हो ना? हाँ। सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, एक फोटो हो जाए? हाँ हाँ क्यों नहीं, लीजिए सर प्लीज। ओके। बात हो गई, मुझे बहुत खुशी हुई।
सर आप वीडियो बहुत अच्छी बनाते हो। थैंक यू। तो आप अगर थोड़ी रोमांटिक वीडियो बनाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं वो हम बनाते नहीं है, थोड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। सर क्या दिक्कत खड़ी हो जाएगी, आप बनाया करो, बहुत अच्छा लगेगा, बिल्कुल बॉलीवुड मूवीज की तरह। अरे नहीं मैं बना सकता हूँ, लेकिन मुझे आज तक ऐसी हीरोइन नहीं मिली जो मेरे साथ बॉलीवुड जैसी मूवी बना सके। तो सर आप मुझे रख लो, मैं आपके साथ बहुत मस्त एक्टिंग करूँगी, आप जैसा बोलोगे वैसा। तुमने कभी एक्टिंग की है? सर कभी की तो नहीं है। तो फिर कैसे कर सकती हो? सर मैं कोशिश कर लूँगी। देखो कोशिश करने से काम नहीं चलता, एक्टिंग की दुनिया बहुत अलग है, ये एक कलाकारी है जो हर किसी में नहीं होती है। बट आई एम सॉरी, अब आप अपने घर जा सकते हो, मुझे माफ करना। एक मिनट सर। हाँ बोलो क्या बात है? सॉरी सर मैंने जोशन आगे को ज़्यादा ही बोल दिया। इट्स ओके। सर मुझे आपसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि मैं तो आपकी फ़ैन हूँ ना। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है। सर गिव मी ऑटोग्राफ प्लीज। ऑटोग्राफ? ओके लव। वन सेकेंड सर, ये लीजिए। थैंक यू सर। वेलकम, बाय। बाय सर, फिर मिलते हैं। जिंदगी रही तो दोबारा फिर मिलेंगे। ओके बाय। ये लड़की मुझे देखी हुई लगती है, कहाँ देखी थी? कहाँ देखी थी, हाँ याद आया, उस दिन होटल में शायद यही लड़की थी, इसने सूरज को थप्पड़ मारा था। चलो कल मिलती है तो बात कर लूँगा। ओके। हाँ तो तुम दोनों डॉन बनने के लिए तैयार हो? बोलो काले भाई क्या करना है? तुम दोनों मुझ पर गोली मार कर दिखाओ। नहीं 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 मुझ में मत मारो। हाँ मारें। आसमान में? काले भाई पहले मैं मारूंगा, आज मैंने भी आसमान निफाड़ दिया तो मेरा नाम ठाकुर रिंकू राणा नहीं। नहीं काले भाई आज गोली मैं पहले चलाऊंगा, अगर आज आसमान नीचे नहीं गिरा दिया मेरा नाम भी राजवीर नहीं। अच्छा तो तुम दोनों एक काम करो, दोनों गोली एक साथ चलाओ, तू आसमान फाड़ के दिखा और तू आसमान नीचे गिरा के दिखा। अरे आसमान नीचे क्यों नहीं गिरा? अबे सालो बंद करो ये फालतू की बकवास, इस तरह से तुम पर चींटी भी नहीं मरेगी। अबे साले चले आसमान फाड़ने, आसमान तक आज तक किसी की गोली पहुंची है जो तुम पहुंचाओगे? सॉरी कालिया भाई। कालिया भाई चूतिया बन गए, सॉरी। गधे साले चलो यहाँ से, किसी लड़की को पकड़कर अपनी डॉन बनने की ख्वाहिश पूरी करना। यार प्रेम सिंह एक बात बता, तू उस लड़की से कल बात क्यों कर रहा था? कौन सी लड़की? वही लड़की जो उस दिन होटल में मिली थी। अरे नहीं यार वो लड़की मेरी फैन थी इसलिए उससे बात करने लगा, वरना तुझे तो पता ही है मैं लड़कियों से बहुत दूर रहता हूँ ना। वैसे तूने कहाँ देखा था मुझे बात करते हुए? तू क्या समझ रहा है मुझे नहीं पता? अच्छा तुझे पता है? हाँ मुझे पता है, तो उस दिन ट्रेन की पटरी पे बात कर रहा था, उस दिन मैंने तुझे देख लिया था। तो तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है मैंने उससे बात क्यों की? यही तो, तूने उससे बात क्यों की? तुझे पता नहीं है वो मेरी दुश्मन है, उसने मेरी होटल में बेइज्जती की थी। यार ये सब तो चलता रहता, शरीफ लड़की थी भूल जाओ उसे। शरीफ नहीं है वो, मेरे लिए दुश्मन है दुश्मन। अरे नहीं यार तू उसे गलत समझ रहा, वो लड़की ऐसी नहीं है। तुझे मैं कल मिलवाता हूँ ठीक है, और तू कहता है तो मैं उससे माफ़ी मंगवा दूंगा ठीक है। चल अब घर चलते हैं। चला रिंकू। काली भाई तुझको उस लड़की को छेड़ना है? नहीं भाई ये मुझसे नहीं होगा। जा बेटे घर जा, तेरे बस की नहीं डॉन कौन बनना, जा बेटे जा। रुको भाई देखता हूँ कोशिश करके। हाँ कोशिश कर तभी तो कुछ पता चलेगा। भाई मैं छेड़ू क्या? अरे नहीं पहले इसकी मर्दानगी देखेंगे फिर उसके बाद तुझे देखेंगे, इसे जाने दे पहले। हे लड़की मैं तुझे छेड़ने जाता हूँ। भाई रिंकू पे तो उस लड़की ने थप्पड़ मार दिया। हाँ तो लड़की छेड़ोगे तो थप्पड़ तो खाओगे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सब कहने की? भाई तुमने तो कहा था लड़की छेड़ने को। दो तीन दिन से मुझे रोज बदतमीजी लड़के मिल रहे हैं। अरे हाँ हाँ हमने ही कहा था, और क्या डॉन बनना इतना आसान है? पता नहीं सारे बदतमीज लड़के मेरे आगे ही मूड मारने चले आते हैं। भाई अब क्या करें, यहाँ से निकलने में फायदा है। दिखने में तो तुम बहुत शरीफ लगते हो लेकिन अंदर से बिल्कुल घटिया किस्म के हो। चल वे निकलते हैं अब ज्यादा बेइज्जती हो रही है। चलो भाई मेरा जीना हराम कर रखा है तुम जैसों ने, जहाँ देखो वहाँ बदतमीजी। लड़कियाँ कहीं सुरक्षित है भी या नहीं?
तो वही लड़का है जिसने होटल में बदतमीजी की थी। हाँ ये लड़का वही है, मेरा दोस्त है। सच में? हाँ। लेकिन वो वहाँ पर क्यों बैठा है? वो तुम्हारी वजह से। मतलब? वो तुमने इसे होटल में थप्पड़ मार दिया था ना, इसलिए। ओह सॉरी, जो हो गया सो हो गया, अब उसे याद करने से क्या फायदा। अगर ऐसी बात है तो मैं आपके दोस्त से माफी मांग लेती हूँ, बुलाओ उसे। ठीक है। ए सूरज इधर आ। जैसा नाम है वैसा काम भी करता है ये। नोनो बाबा मैं उसे सॉरी के अलावा और कुछ नहीं बोलूंगी। हाँ बता क्या बात है? ये लड़की तुझसे कुछ कहना चाहती है, चलो बोलो। देखो उस दिन जो हुआ उसे भूल जाओ, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी। हे माफ कर देना बेचारी को, बहुत अच्छी लड़की है। चलो छोड़ो, मेरे दोस्त ने मुझे पहले समझा दिया था। आई एम हैप्पी मैंने तुम्हें माफ किया। इन लोगों को मैं देख लूंगा, दोनों जाओ जाओ। नहीं अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। यार मैंने बहुत चलाए हैं, तुम जाओ मुझे कुछ। मैं एक को जानती हूँ। तुम दोनों जाओ, मैं सबको देख लूंगा, गुंडा हो या गुंडा गुंडा हो, जाओ। किरण चलो। पता नहीं कौन थे, बिना वजह मारे गए। अब तो लगता है कालिया भाई यमराज के पास में आकर ही डॉन बनेंगे। हाँ हाँ पहले मर तो ले। हेलो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। और हाँ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे करो, आप लाइक नहीं करते हो ऐसे ही चले जाते हो, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हैं तो। और हमसे जुड़े रहिए दोस्तों, लव यू ऑल। और हाँ मुझसे बात करने के लिए इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी प्रेम सिंह लवली, जल्दी से जाओ फॉलो कर लो। बाय।